नमस्कार, मैं हुशवारी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में 28 जुलाई को प्रधान शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित। बिहार विधानसभा के सदस्यों को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यहां बनेगा उत्तर बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बढ़ेगी इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टिविटी। साउथ अफ्रीका में होगी मिनी आईपीएल, इन 6 टीमों ने लगाई मोटी बोली। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में 28 जुलाई को प्रधान शिक्षक के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित। प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई को प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा सितंबर में होगी, हालांकि अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आदेश में बताया है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की 28 जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाती है। इसमें आयोग ने परीक्षा स्थगित होने का कारण अपरिहार्य बताया है। अब यह परीक्षा सितंबर माह में आयोजित होगी। बिहार विधानसभा के सदस्यों को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार विधान परिषद के 63% सदस्यों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं 90% सदस्य जायदाद के मामले में करोड़पति हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा में करोड़पतियों का बोलबाला है। 90% एमएलसी करोड़पति हैं। 60 सदस्यों में से 25 सदस्य ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। इनमें भी सबसे ज्यादा रईस निर्दलीय सच्चिदानंद राय हैं। इनकी कुल संपत्ति 1108 करोड़ की है। वहीं बिहार विधानसभा के 60 सदस्यों में से 38 सदस्य आपराधिक मामले में आरोपी हैं। इनमें 20 सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंचायती राज विभाग देगी झंडा फहराने के लिए खर्च। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों और 1,11,000 वार्डों में तिरंगा फहराने के लिए सरकार सभी पंचायत वार्डों को 1,000 रूपए उपलब्ध कराएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 13 और 14 अगस्त को ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। यहां स्वतंत्रता की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों पर प्रकाश डाला जाए। साथ ही पंचायती राज विभाग मंत्री ने कहा कि स्थानीय जीविका संगठनों से विभिन्न आकार 20x30, 16x24, 6x9 का झंडा खरीदने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड में ध्वजारोहण के लिए अधिकतम 1,000 रूपए छठे राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से खर्च किया जाएगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बिजली विभाग की उड़ी नींद। पटना के राजीव नगर थाना के नेपाली नगर में अवैध निर्माण को लेकर हुए प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बिजली विभाग ने यहां कई घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए थे, लेकिन आखिरकार पटना हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद बिजली विभाग को अपनी जिद छोड़नी पड़ी है और पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में कंचनपुरी मोहल्ले के 25 घरों में पुनः बिजली सेवा बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां के 35 बिजली उपभोक्ताओं ने संयुक्त रूप से बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें हाईकोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट बिजली सप्लाई फिर से शुरू करने का निर्देश दिए थे, लेकिन बिजली विभाग ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब दूसरी बार हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई और अब नेपाली नगर में फिर से बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि करीब 15 दिनों के बाद यहां बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कार्यालय में बड़ी लूट। अपराधियों ने आज सुबह बड़ी लूट को अंजाम दिया है। मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कार्यालय में घुसकर 10 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। मंगलवार यानी आज सुबह घोड़ा सहन बाजार में स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की घटना है, जहां इन अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मालूम हो कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, जहां एजेंटों के लोन के वसूली के रुपये जमा होते हैं, मंगलवार की सुबह अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को हथियार का भय दिखाया और तिजोरी में रखे रुपये को लूटकर भाग गए। यहां बनेगा उत्तर बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि बिहार के अधिकतर जिलों में सैलानियों के लिए घूमने के लिए जरूर कुछ न कुछ खास मिल जाता है, और आने वाले वर्षों में बिहार सरकार की यही कोशिश रहेगी तो बिहार एक पर्यटक स्थल के तौर पर बनकर देश भर में उभरे। इसी कड़ी में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक भीमलपुर जंगल को पर्यटक स्थल और बायोडायवर्सिटी पार्क के तौर पर विकसित करने की हरी झंडी मिल गई है। आपको
बता दें कि बीते दिन केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव एसके जैन और वारिद गुप्ता ने इस जगह का निरीक्षण किया और इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। भीमलपुर जंगल मोतिहारी जिले के मोतिहारी मुजफ्फरपुर सीमा पर स्थित मेहसी में है। इस निरीक्षण के बाद यह भी संकेत मिला है कि इस जंगल को संयुक्त चंपारण में अवस्थित वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के बाद यह जंगल दूसरे अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बढ़ेगी इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टिविटी। बिहार के किसी भी कोने तक पहुंचने के लिए राज्य का पथ निर्माण विभाग सड़कों के जाल बिछाने की लगातार कोशिश कर रहा है ताकि लोगों के आवागमन के साथ साथ दूसरे राज्यों और देशों के साथ व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो। इसी कड़ी में गेटवे ऑफ नेपाल कहे जाने वाले रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर झारखंड व पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंचेगी। ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत 690 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। इन 6 स्टेशनों पर सुनाई जाएगी आजादी की संघर्ष गाथा। बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि हमें आजादी कितनी मुश्किल से और कितने संघर्षों के बाद मिली है। ऐसी ही एक पहल बिहार की रेल प्रशासन करने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पटना जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेल के 6 स्टेशनों पर आजादी की संघर्ष गाथा दिखाई और बताई जाएगी। इन 6 स्टेशनों में समस्तीपुर मंडल के बापूधाम मोतिहारी, सोनपुर मंडल के खुदीराम बोस पूसा, दानापुर मंडल के पटना और आरा जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन पर 18 से 23 जुलाई तक आजादी से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। यह आयोजन न केवल उन महान सेनानियों के प्रति हमारी अगाध कृतज्ञता को दोहराएगा वरन भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का अक्षय स्रोत भी बन सकेगा। बिहार में खुल सकता है एनआईए का थाना। हाल के दिनों में बिहार में बढ़ी असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का थाना खुल सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो एनआईए ने इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी दिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। मालूम हो कि पूरे बिहार में कहीं भी एनआईए का थाना नहीं है, वहीं अभी कैंप कार्यालय के जरिए कामकाज होता है। वहीं पटना से जुड़े कामकाज रांची स्थित कार्यालय की देखरेख में संचालित होता है। वहीं बिहार में एनआईए का थाना खुल जाने से बिहार से जुड़े सभी मामलों की जांच तेजी से होने लगेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी आसान होगी। अभी और सहनी होगी बिजली की किल्लत। एक ओर राज्यभर में पर्याप्त बारिश नहीं होने से लोग गर्मी से परेशान हैं, दूसरी ओर राज्य को सही से बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अगले एक महीने तक एनटीपीसी की 5 इकाइयों से बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। वहीं बरौनी स्थित उत्पादन इकाई में तकनीकी कमी की वजह से बिजली बाहर नहीं लाई जा सकती है, जिसकी वजह से वहां उत्पादन नहीं हो रहा है। एनटीपीसी की कांटी की एक यूनिट बंद होने से पिछले एक महीने से बिहार को 133 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही है। 23 मेगावाट मिलने वाली बिजली भी 9 जुलाई से बंद है। फड़क्का उत्पादन इकाई से मिलने वाली 101 मेगावाट बिजली 20 जून से बंद है। मरौनी की यूनिट संख्या 6 और 7 तो 17 फरवरी से ही बंद है। एक यूनिट के मेंटेनेंस के लिए कम से कम 44 दिनों तक बंद रखना पड़ता है। ऐसे में एक महीने तक बिहारवासियों को बिजली की किल्लत सहनी पड़ सकती है। अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर तेज हुए विरोधी सुर। अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से विरोधी सुर तेज होते दिख रहे हैं। दरअसल अग्निपथ योजना में बहाली के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। एक ओर जहां उपेंद्र कुशवाहा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने की मांग कर दी है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इस मामले पर तंज कसा है। वहीं तेजस्वी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार चौथी का जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। केंद्रीय मंत्री को लेकर तेजस्वी यादव के दावे ने बढ़ाई सियासी गर्मी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है कि जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राजद में शामिल होना चाह रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि नित्यानंद राय ने उनके पास आकर कहा था कि उनका भाजपा में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आरजेडी के साथ आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मंत्री बनने से पहले आरजेडी में आना चाहते थे, लेकिन अब मंत्री बनने पर बड़े बयान दे रहे हैं।
दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा द्रौपदी मुर्मू को लेकर कसे गए तंज पर नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को माफी मांगने को कहा था। इसके बाद नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा किए गए दावे पर एक बार फिर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि लालू यादव के परिवार को परिवार के बाहर हर एक यादव से दिक्कत है। वहीं प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव दिमागी दोष का शिकार हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में होगा मिनी आईपीएल, इन 6 टीमों ने लगाई मोटी बोली। साउथ अफ्रीका में एक मिनी आईपीएल होने की संभावना है क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका की आगामी टी20 लीग की टीम नीलामी में जीत हासिल की है। क्रिकवर्स की माने तो 6 आईपीएल फ्रेंचाइजियों को साउथ अफ्रीका में टी20 लीग की टीमें मिलने वाली हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस के मुकेश अंबानी, चेन्नई सुपर किंग्स के एन श्रीनिवासन, दिल्ली कैपिटल के पार्थ जिंदल, सनराइजर्स हैदराबाद के मारन, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के संजीव गोयंका और राजस्थान रॉयल्स के मनोज बड़ाले ने 6 फ्रेंचाइजियों के लिए बोली लगाई है। लीग अगले साल की शुरुआत में खेली जाएगी, लेकिन क्रिकवर्स इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आईपीएल टीम के निवेशकों को उनकी सफल बोलियों के बारे में कर दिया गया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में आ रही गिरावट। पिछले सप्ताह देश के साथ साथ बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले डराने लगे थे, लेकिन इस सप्ताह देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार 2 दिनों से कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। आज यानी मंगलवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए केस सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 1,43,654 पर पहुंच गई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है। अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना में 115 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य भर में कुल कोरोना संक्रमित मामले 2600 पर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय शर्मा, बाबूलाल मरांडी, बासुकी पंजियाड़ा, सकीम अली, नुन्नू कुमार, कविता कुमारी, जाहिद हुसैन, इनके गांधी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र की मांग करना कितना जायज है? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।